अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये एक 12 बोल का काव्य है, ठीक है। आज हम इसको इसकी थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ये काम करने में कैसा है। बेसिकली ये जो काव्य है ये आपको मिलता है जो एक सोल्डिंग स्टेशन होता है उसके साथ। हमने सिंपल ये काव्य ही लिया है, ठीक है। इसको 12 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर चलाएंगे, आप इसको बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं, बैटरी के ऊपर भी ये जबरदस्त चलेगा। देखिए, अब हम इसकी वायर्स को पहले काटा, इसके साथ एक कनेक्टर लगा होता है जो कि सोल्डिंग स्टेशन के साथ लगता है, क्योंकि ये 12 वोल्ट के ऊपर भी काम करता है, 24 वोल्ट के ऊपर भी काम करता है। अभी मैंने इसकी वायर्स काटी है, इसमें टोटल रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ये वायर्स हैं। अभी हम इनको टेस्ट करते हैं मीटर के थ्रू, आया कि किस के ऊपर ये। वन बाय वन करके हम ये वायर्स को चेक करते हैं कि किसके ऊपर ये रीडिंग देती है। इसके ऊपर जी इसकी रीडिंग नहीं आई, इसके ऊपर भी नहीं आती, ये भी नहीं आ रही। अब हम रेड ग्रीन को चेक करते हैं, तो ये इसके ऊपर ये रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि ये दो वायर्स जो हैं ये यूज होंगी और बाकी ये जो वायर्स हैं ये हमें नहीं होंगी। थोड़ा सा इनको कट कर लेते हैं, तो ये इतनी इसकी वायर्स के साथ है। अगर आप इसको यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये इसके अंदर इसका फिलामेंट है जो कि गर्म होता है, इसको भी आप उतार सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नई बिट्स मिल जाती है, आप नई बिट्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी इसके ऊपर 30 वाट की लगी हुई है, इसको ऐसे करना है, हम इसको ये टाइट हो गया। आए हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसके लिए मैं ये सप्लाई यूज कर रहा हूँ, ये 12 वोल्ट 1.2 एम्पीयर की सप्लाई है। थोड़ी सी इसकी वायर ज्यादा करने के लिए मैं एक्स्ट्रा वायर यूज कर रहा हूँ। अगर तक अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये हमने और सी वायर्स के ऊपर आप चला दी है, उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो इसके साथ। वैसे अगर आप टेप यूज करेंगे टेप उतरने का चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो होती है इससे जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। अब बेसिक हमें ये चेक करना है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, किस पे ये काफी गर्म होता है। अब इसके चार्जर से देखने के पॉजिटिव किस में आ रहा है, नेगेटिव किस में आ रहा है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी ये
अभी ये पॉजिटिव आया है और वो नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये देखिए आपको नेगेटिव का साइन इधर साथ आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। आप इसको रिवर्स करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वायर जो है ये पॉजिटिव वायर है, चलिए आइए हम इसको चेक करते हैं। अब ये पॉजिटिव वायर को इधर लगा दिया और नेगेटिव को हम इधर लगा देते हैं। अच्छा दोस्तों, कल हमने इस खामी को 12 वोल्ट वाले खामी को पहले 12 वोल्ट और 1.5 एम्पीयर के ज़्यादा चेक करने की कोशिश की थी, तो चार्जर अनफॉर्चुनेटली जल गया। तो अब ये मैं इसको 7 एम्पीयर की 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर टेस्ट करता हूँ। चलिए चेक करते हैं, पहले बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी इस टाइम हमारी 11.93 पे है, थोड़ी सी वीक बैटरी है, नई बैटरी नहीं है। चेक करते हैं कि ये स्पार्क करता है कि नहीं करता। ये देखिए इसके वोल्टेज ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि काविया जो है ये काम कर रहा है। बड़ी तेजी से ये वोल्टेज नीचे ड्रॉप होते जा रहे हैं। चेक करते हैं तो ये हल्का सा भी गर्म हुआ। अभी हम इसको यहाँ पे इसके आगे वो थंबनेल लगाते हैं, फिर इसको टच करते हैं, फिर चेक करते हैं। अब ये देखिए हमने इसके ऊपर ग्रिप्स लगा ली हैं ताकि ये इजीली इसके साथ, सॉरी ग्रिप्स लगाने लगा था। ये इसका नेगेटिव है और ये रेड वाला जो है ये इसका पॉजिटिव है। अब ये हम लगाते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज स्लाइटली ड्रॉप होने शुरू हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी इस काव्य को तकरीबन लगे हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब ये गर्म हो गया है, चेक भी करते हैं। क्योंकि ये 12 वोल्ट के ऊपर है और बैटरी जो है वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए अभी ये इतना गर्म नहीं हुआ कि ये सोल्डर को पिघला सके। तो चलो इसको थोड़ी देर और लगे रहने देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या है सोल्डरिंग करते हैं, काबिल होता है कि नहीं होता। जी फाइनली ये इतना अब गर्म हो चुका है कि ये सोल्डर को पिघला रहा है, देख सकते हैं। और अब ये तकरीबन 5 मिनट के बाद इस पोजीशन में है कि आप इसके साथ सोल्डरिंग कर सकते हैं। अभी आपको सोल्डरिंग करके भी दिखाते हैं, अभी हम आपको इसके साथ सोल्डिंग करके दिखाते हैं।